Hyundai Elantra जा रहे है सीवी कार के बहुत से खबरें निकल कर आ रहे हैं कि कब लॉन्च होगी और क्या उसके वेरिएंट होने वाले हैं और क्या प्राइस होने वाली है उसकी, और अगर लॉन्च होती है तो उस किस किस कलर के ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हुंडई मोटर्स की एक लौती नई प्रीमियम 6 और 7 सीटर एसयूवी हुंडई अल्काजार एसयूवी कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हुंडई की एक भी ऐसी कार नहीं है कि जिसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठकर कहीं घूमने का प्लानिंग कर सके, कहीं जाने का सोच सके। तो यहाँ पर हुंडई मोटर्स ने अपना दिमाग लगाते हुए और कस्टमर के दिक्कतों को पूरा करते हुए हुंडई मोटर्स ने अपनी अल्काजार एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का सोचा है। सोचा क्या है, सोचा तो बहुत पहले था, लेकिन अब हुंडई अल्काजार एसयूवी के लॉन्च डेट की खबर भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने खुलासा किया है कि अल्काजार एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में 17 जून को लॉन्च किया जा सकता है, और उसके वेरिएंट क्या क्या होने वाले हैं और इसके प्राइस क्या होने वाली है और इसके किस किस कलर की ऑप्शन में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो उसी के बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे हुंडई की अपकमिंग अल्काजार एसयूवी कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों मैं आपको वैसे बता दूं कि हुंडई अल्काजार एसयूवी कार के अनऑफिशियल तरीके से कुछ एक शोरूम में बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप अपने नजदीकी हुंडई शोरूम पे जाकर आप अपनी अल्काजार एसयूवी कार की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बुकिंग करवा सकते हो। और इसमें आपको पूरे 6 वेरियंट की ऑप्शन देखने को मिलने वाली है और इसमें आपको पूरे 6 कलर की ऑप्शन में भी देखने को मिलने वाला है। और ये हुंडई की अल्काजार एसयूवी आपको पूरे 3 ड्राइविंग मोड की ऑप्शन में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो हुंडई की अल्काजार एसयूवी है वो काफी समय से चर्चे में बंधी हुई है, तो वहीं हुंडई मोटर्स ने इसकी टीजर वीडियो और कुछ पिक्चर पहले ही पेश कर दिए हैं जो कि पूरी तरीके से ढकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले इसके वेरिएंट की कि कौन कौन से वेरिएंट में आने वाला है और कौन सा वेरिएंट बेस्ट मॉडल होने वाला है और कौन सा वेरिएंट टॉप मॉडल होने वाला है। तो इसमें जो पहला वेरिएंट होने वाला है वो है सिग्नेचर, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो है सिग्नेचर ओ, और जो तीसरा वेरिएंट होने वाला है वो है प्रेस्टीज, और जो चौथा वेरिएंट होगा वो है प्रेस्टीज ओ, और जो पांचवा वेरिएंट होने वाला है वो है प्लैनम, और जो छठा वेरिएंट होगा वो है प्लैनम ओ। तो दोस्तों इसमें जो पहला वेरिएंट है वो यानी सिग्नेचर वो है बेस्ट मॉडल, और जो प्लैनम है वो है टॉप मॉडल, यानी प्लैनम ओ जो है वो है टॉप मॉडल। और इसमें आपको पूरे 3 ड्राइविंग मोड की ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पहला है इको, दूसरा है सिटी और तीसरा है स्पोर्ट। दोस्तों ही अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हुंडई अल्काजार एसयूवी कार कितने कलर के ऑप्शन में आने वाले हैं। तो इसमें आपको जो पहले कलर के ऑप्शन मिलने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरे 6 कलर के ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा, और जो पहला कलर का ऑप्शन होने वाला है वो है टाइफून सिल्वर, और जो दूसरा है टाइन ग्रे जिसको हम टाइटन ग्रे भी कहेंगे, और जो तीसरे कलर का ऑप्शन होने वाला है वो है टाइन ब्राउन यानी टैगा ब्राउन भी कह सकते हैं उसको, और जो चौथे कलर का ऑप्शन होने वाला है वो है स्टोरी नाइट, और जो पांचवे कलर के ऑप्शन में होने वाला है वो है पॉलर व्हाइट, और जो आखिरी 6 नंबर के ऑप्शन में वो है फैनम ब्लैक। तो दोस्तों इन कलर में से आपको कौन सा कलर अच्छा लगा और कौन सा वेरिएंट आपको अच्छा लगा, और अगर आप हुंडई अल्काजार एसयूवी कार को खरीदने का प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना पसंद करोगे और कौन से कलर में खरीदना पसंद करोगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके लुक्स डिजाइन फीचर्स की, तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली हुंडई की अल्काजार एसयूवी देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी स्पेशियस कार है, और बताया जा रहा है कि हुंडई क्रेटा 7 सीटर एसयूवी का एक नया वेरिएंट है जो कि 7 सीटर होने वाला है और 6 सीटर भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक में आपको बिल्कुल नए डिजाइन की एक अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि हुंडई की बेजिंग के साथ लैस होगी और अल्काजार एसयूवी के खूबसूरती को 4 चांद लगाने का काम करेगी, और साथ ही आपको इसके एक्सटीरियर में न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नई एलईडी डीआरएल्स, नए डीएन की एलईडी टेल लाइट, सरफेस एंटीना, एसयूवी स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में, ओआरवीएम भी टर्न इंडिकेटर, R18 इंच तक की बिल्कुल नए डीएन की एलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं।
दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हुंडई की अल्काजार एसयूवी में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है और इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको हुंडई अल्काजार एसयूवी में 2760 मिलीमीटर के करीब आपको इसका व्हीलबेस देखने को मिलेगा जो कि काफी सही होने वाली है और जो कि 5 सीटर एसयूवी क्रेटा से 150 मिलीमीटर के करीब ज्यादा है और ये व्हीलबेस अल्काजार एसयूवी में इसके सेकेंड रो और थर्ड रो के कंफर्ट के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो इसके लेवल में गाड़ियां हैं, जैसे दोस्तों यहां हुंडई की अल्काजार एसयूवी कार के लेवल में जो गाड़ियां हैं एमजी हेक्टर प्लस, महिंद्रा की XUV500, टाटा की सफारी जैसे एसयूवी से सबसे ज्यादा व्हीलबेस देखने को मिलने वाला है अल्काजार एसयूवी में। इससे पता चलता है कि हुंडई अल्काजार एसयूवी के जो सेकेंड रो और थर्ड रो में काफी अच्छी स्पेस देखने को मिलने वाला है। तो ये थी इसके एक्सटीरियर फीचर्स। वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की, तो इसमें आपको हुंडई की अल्काजार एसयूवी 7 सीटर में आपको 2 इंजन की ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं जो कि 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जो कि 159 पीएस के करीब पावर देगी और साथ ही आपको दूसरे इंजन की ऑप्शन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 105 पीएस के करीब पावर देगी और ये दोनों इंजन आपको BS6 इंजन के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों वैसे भी BS4 इंजन के जमाना तो गया दोस्तों और ये BS6 इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलने वाली है और ये अल्काजार 7 सीटर एसयूवी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के स्टैंडर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही इस बिग एसयूवी में मल्टीपल ड्राइविंग मोड की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे इसके इंजन पावर। दोस्तों इस इंजन के साथ अल्काजार एसयूवी आपको कैसी लगी आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वहीं अब बात आती है इसके इंटीरियर फीचर्स की, तो 2021 हुंडई की अल्काजार एसयूवी कार के इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है जिसमें कि आपको YouTube मिल जाएगा, स्मार्ट कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस के एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपने गाड़ी के हर एक फीचर्स को मैनेजमेंट कर सकते हो और साथ ही इसके इंटीरियर में न्यू डिजाइन सॉफ्टर डैशबोर्ड के साथ हुंडई की बेजिंग के साथ एक मल्टी फोकस स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको विंडो पावर म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम देखने को मिल जाएगा यानी आप म्यूजिक कंट्रोल और विंडो कंट्रोल आप अपने स्टीयरिंग से ही कर पाओगे और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन जिसमें कि आपकी गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और साथ ही इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे फोन चार्जिंग के लिए तीनों रो में आपको वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग देखने को मिलेंगे और साथ ही हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, ऑल सीट विथ हेडरेस्ट, रियर सीट विथ पावर सॉकेट, USB चार्जिंग, AC वेंट की ऑप्शन, एम्बिएंट क्लाइमेट मोड, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, इसमें काफी अच्छा प्रीमियम ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाएगा और साथ ही इंडिया कस्टमर फेवरेट जो गाड़ी में देखने को मिलेगा वो है लार्ज पैरोमिक सनरूफ देखने को मिल जाएंगे इसमें और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वहीं बताया जा रहा है कि हुंडई अल्काजार एसयूवी 7 सीटर में आपको कीलेस एंट्री की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इन फीचर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हुंडई अल्काजार एसयूवी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी के, तो इसमें आपको इसके बॉडी में हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी और साथ ही इसके अंदर 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, ऑल डिस्क ब्रेक यानी चारों टायरों के साथ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मल्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउन हिल कंट्रोल, ABS के साथ EVD जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं जो कि सेफ्टी के मामले में काफी सही होने वाली है और बहुत ही सही होगी। और ये जो सेफ्टी के फीचर्स हमने आपको बताए ये सारे फीचर्स आपको टॉप मॉडल में अवेलेबल होंगे और आप जैसे जैसे बेस मॉडल में आते जाओगे इसके फीचर्स वैसे वैसे कम होते जाएंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हुंडई अल्काजार एसयूवी कार की इंडियन मार्केट में सीधा सीधा मुकाबला MG हेक्टर प्लस, महिंद्रा की आने वाली XUV500, टाटा की नई सफारी जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन इन सारे गाड़ियों से अल्काजार एसयूवी में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा।
दोस्तों वहीं अब फाइनली ये बात आती है इसके प्राइस की, तो इंडियन मार्केट में एक अनुमान के अनुसार हुंडई अल्काज़ार 7 सीटर की प्राइस एक अनुमान के अनुसार इसकी स्टार्टिंग प्राइस यानी बेस मॉडल की प्राइस 12 लाख से शुरू कर 19 लाख तक की आपको यानी टॉप मॉडल की प्राइस 19 लाख तक की जा सकती है। तो दोस्तों ये हुंडई की अल्काज़ार SUV आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इन सारे फीचर्स के साथ आपको अल्काज़ार SUV कैसी लगी, आपको इन सारे फीचर्स में कौन सा सबसे बेहतरीन फीचर्स लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।